प्रमुख लोगों को आमंत्रण मिला है और आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए यहाँ से सभी प्रस्थान कर रहे हैं, कल कुछ निकल गए हैं। ये हम सब लोगों के लिए जो कार्यकर्ता मेहनत किए, जो मतदाता ने अपना आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की ओर से हम लोग शुभकामना भी देंगे, बधाई भी देंगे। और ये हमारे सब के लिए गौरव का विषय है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी NDA के सरकार बने थे और उससे भी ज़्यादा बहुमत के साथ में ये सरकार बन रही है, तो निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। और आने वाले समय में हम उम्मीद भी करते हैं कि सरकार के बनने के बाद में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के विकास में केंद्र का एक योगदान, बहुत बड़ा योगदान मिला है, आने वाले समय में भी केंद्र का हमको बहुत बड़ा योगदान मिलेगा और इस छत्तीसगढ़ के विकास को और गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का ये कहना है भूपेश बघेल का कि मैं शपथ ग्रहण में तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन समय निकाल करके बाद में उनसे अकेले में मिलने जरूर जाऊँगा, जिसके लिए PMO में बातचीत भी चल रही है, मैं समय लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये उनका व्यक्तिगत विषय है, इसलिए उसमें मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। सुरजेवाला जी ने अभी ट्वीट किया है कि अब कांग्रेस का कोई भी नेता प्रवक्ता जो है चैनल की डिबेट में शामिल नहीं होगा, सारे जो चैनल्स हैं वो BJP में एक महीने के लिए बाइकॉट। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है और सभी लोगों ने इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का सम्मान किया है। आज प्रजातंत्र में पक्ष हो प्रतिपक्ष हो और निष्पक्ष कहा जाता है, तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को कहा जाता है। इसलिए इस प्रकार के निर्णय लेना न केवल इस लोकतंत्र का चौथे स्तंभ का अपमान है, बल्कि कुंठित मानसिकता का प्रतीक भी है। ममता बनर्जी ने आने का मन बनाया था, लेकिन फिर वहाँ बंगाल से जिनकी हत्याएं हुई हैं कार्यकर्ताओं की, उनके परिजनों को बुलाया गया है मोदी जी के द्वारा, इसलिए उन्होंने देखिए ये आवश्यक है कि कार्यकर्ता को जब सम्मान मिलेगा, जिन कार्यकर्ताओं के चुनाव के दौरान में हत्या हुई है, यदि उनको परिजन को बुला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए हम लोगों से नहीं हो सकता। और बाकी तो ममता दीदी जाने वो क्या करेगी, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है।